एशिया कप से बाहर होने के बाद आपस में भिड़े शाहीन और बाबर, फिर रिजवान को करना पड़ा बीच बचाव। एशिया कप में बीते गुरुवार श्रीलंका ने सुपर चार में पाकिस्तान को हराकर फाइनल में जगह पक्की की। पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ डीएलएस के तहत 2 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी और इस हार के साथ पाकिस्तान का एशिया कप फाइनल खेलने का सपना टूट गया। अब ड्रेसिंग रूम से खबर आई है कि टीम के खिलाड़ी आपस में भिड़ गए हैं। दरअसल टीम के कप्तान बाबर आजम और शाहीन अफरीदी के बीच ड्रेसिंग रूम में कुछ बात हुई, जिसको शांत करने के लिए रिजवान को बीच में आना पड़ा। बोल न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका के खिलाफ हार के बाद पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने खिलाड़ियों को ड्रेसिंग रूम में बुलाया। बाबर खिलाड़ियों से खराब प्रदर्शन को लेकर बात कर रहे थे, लेकिन तभी टीम के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने उन्हें बीच में रोकते हुए कहा कि कम से कम उन खिलाड़ियों की तो सराहना की जाए जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। बाबर को शाहीन की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और पाकिस्तानी कप्तान ने कहा कि मुझे मत बताओ किसने अच्छा परफॉर्म किया है। शाहीन और बाबर के बीच बात इस हद तक आगे बढ़ गई कि टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को मुद्दा सुलझाने के लिए दोनों के बीच में आना पड़ा।